नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्य समिति सदस्य गोपाल शरण सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष रामानुज पांडे, जिला प्रवक्ता उज्ज्वल सिंह, युवा मोर्चा के चंदन सिंह, प्रमोद रंजन एवं ओम प्रकाश सिंह के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के रमेश चौक पर जीत की खुशी में लड्डू बांटे और बधाइयां दी। इस अवसर पर वरीय नेता गोपाल शरण सिंह ने कहा कि गुजरात की प्रजन जीत ने यह सिद्ध किया कि गुजरात की जनता झूठे वादे पर नहीं भागती, बल्कि विकास करने वाले और देश का स्वाभिमान बढ़ाने वाले अपने नेता पर कितना अटूट भरोसा करती है। और यही कारण है कि ऐतिहासिक 156 सीट देकर देश को संदेश दिया कि मात्र 56 नहीं 156 इंच का सीना रखते हैं दुनिया को नेतृत्व करने वाले लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आने वाले 24 और 25 दोनों चुनाव में भाजपा अपना परचम लहराएगी। जनता देश और बिहार में सिर्फ भाजपा को ही देखना चाहती है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष रामानुज पांडे ने कहा कि गुजरात के साथ साथ बिहार उपचुनाव में भाजपा की जीत से भी सभी भाजपाई उत्साहित हैं। बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकार दिया है और नीतीश कुमार के विश्वासघात का करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देकर नया जनादेश प्राप्त करने की जरूरत है। अंदर कभी वर्षों तक लगातार सत्ता पर शासन करने वाली कांग्रेस आज वहां पर किसी इस स्थिति में पहुंच गई है कि वो प्रतिपक्ष में भी अपना स्थान बचा नहीं पाई है। इसलिए अब कांग्रेस का अस्तित्व देश के अंदर लगभग समाप्त हो चुका है और यह उसी का परिणाम प्रदर्शित करता है कि गुजरात चुनाव में वो 20 सीट से भी नीचे चले गए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।